सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ अगर आप लोग भी EMI पर फ़ोन लेना चाहते हो, फ़ोन बाई करना चाहते हो तो कैसे ले सकते हो, कैसे आप लोग ऐसे किसी भी क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे प्रोडक्ट आप लोग EMI पर ले सकते हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं इस फ्लिपकार्ट के माध्यम से फ़ोन को या फिर कोई भी प्रोडक्ट होता है वह EMI पर लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बगल में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाला नया लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलता रहे। सबसे पहले क्या करेंगे, फ़ोनपे एप्लीकेशन आप लोग फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने मिलता है सर्च फॉर प्रोडक्ट, तो आप लोग सर्च फॉर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। आप लोग कुछ भी मंगा सकते हो, यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे सपोज आपको फॉर एग्जांपल के तहत बता रहा हूँ, सैमसंग, ठीक है, सैमसंग फ़ोन को मैं सर्च करता हूँ। यहाँ पे आप लोग कई यहाँ पे ब्रांड के सैमसंग फ़ोन देखने को मिल जाते हैं। आप लोग अपने बजट के हिसाब से कम्फर्टेबल लग रही हो उस फ़ोन को सिलेक्ट करिएगा। उस फ़ोन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है आपका फ़ोन ये, इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे भी ऑप्शन देखने मिलता है EMI का। अगर बात यहाँ पे EMI का ऑप्शन नहीं मिलता तो आप लोग परेशान नहीं होना है। आप लोग एक ऑप्शन आपको ऊपर और देखने मिलता है EMI 4, यहाँ पे देखना है फ्रॉम EMI 519 रुपये की आपकी पर मंथ की EMI बनेगी, 10,599 का आपका फ़ोन रहेगा तब, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख मिलता है व्यू प्लान्स पर क्लिक करेंगे। व्यू प्लान्स पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे किस बैंक में आपका अकाउंट क्रिएट है तो मेरा क्या करेंगे, और यहाँ पे आपकी कई सारी EMI बने जाएंगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आप लोग 6 महीने के लिए आप लोग EMI पर यहाँ से फ़ोन ले सकते हो। इसके बाद आपकी हर इंटरेस्ट देखने मिलता है, यहाँ पे देख मिलता है इंस्टेंटमेंट, यहाँ पे इंटरेस्टमेंट, और यहाँ पे इंटरेस्ट, और यहाँ पे टोटल कैश, यहाँ पे देखने मिलता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो 16.5, और यहाँ पे 15%, 15%, 15%, 16%, 16, ठीक है, मंथली 22 मंथली है यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग जैसे कि आपको टोटल यहाँ पे करने पड़ेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 12,456 रुपये, ठीक है, आपको टोटल रीपेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको किसी फ़ोन में यहाँ पे आप लोगों को पूरे जितने बताएं उतने ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप लोगों को ये प्रोसेस यहाँ पे देखने मिलता है, यहाँ पे व्यू कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बाय नाउ यहाँ से मिलता है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा आप वेट करेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा एस्केप एंड कंटिन्यू, एस्केप एंड कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिलता है एड्रेस, और यहाँ पे आप लोग यहाँ से एड्रेस को चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ से चेंज एड्रेस पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे अपना एड्रेस कोई चेंज कर सकते हो। इसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखने को मिलता है, थोड़ा सा आप वेट करेंगे। सो फ्रेंड कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो थोड़ा सा आप वेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन होता है, यहाँ पे ओपन हो जाता है। इसके बाद क्या करेंगे, आप लोग ICICI में आपका अगर अकाउंट क्रिएट होता तो आप लोगों को 500 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। इसके बाद 500 रुपये की आपकी EMI बनेगी, 5,000 आपकी लिमिट रहेगी। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 100 रुपये का आपको कैशबैक भी मिलेगा, यानी कि 100 रुपये कॉइन्स मिलेंगे, ठीक है। इसका नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, अगर आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलता पेमेंट का सेक्शन, इसके बाद आप लोग जिससे पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। मुझे तो यहाँ पे EMI पर फ़ोन लेना है, तो आप लोग क्या करेंगे, EMI पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख मतलब कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा इस तरीके से वेट लेगा, एड्रेस समरीज आपको फिल करेंगे, ऑर्डर समरीज फिल किया ऑटोमेटिक यहाँ पे आपने पहले कर लिया था। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपके बैंक किस खाते में, तो मेरी SBI क्रेडिट कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका SBI क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, इसका जाओ भी आपकी बैंक है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी EMI यहाँ पे देखने को मिलेगी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो आपकी 3 मंथ की EMI रहेगी, और यहाँ पे 6 मंथ की, और यहाँ पे 9 मंथ, और यहाँ पे 1 साल की। तो आप लोग यहाँ से किस मंथ किसकी आप लोग यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप लोग यहाँ से किस तरीके से आप लोग अपने
अब बजट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देख मिलता है, यहाँ पे 3 मंथ की है, तो 3 मंथ के लिए आपको EMI बनेगी, आप लेगी पर मंथ की 2,863 रुपये की, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज दिखा रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है 16.5% पर डे का लगेगा, ठीक है, आप 1 मंथ का, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेक्शन क्या बोल रहा है, यहाँ पे 6 मंथ की आपको EMI लोगे तो आपकी पर मंथ की EMI बनेगी 1455 रुपये की। यहाँ पे 15% यहाँ पे परसेंट इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसके बाद अगर आपने 9 मंथ के लिए आपने फ़ोन लिया है तो आपकी EMI रहेगी पर मंथ की 988 रुपये की, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 12 मंथ की आपने EMI ली है, EMI के लिए फ़ोन लिया है तो आप लोगों पर मंथ की EMI बनेगी आपकी 755 रुपये की पर मंथ की EMI बनेगी, और इंटरेस्ट देखने को मिलता है 15%, ठीक है। अगर आपको एज वेल हो तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, आप लोग देख पा रहे हो। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कार्ड नंबर डालेंगे और यहाँ पे एक्सपायरी डेट और यहाँ पे CVC नंबर लेफ्ट में, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे, मैं लेफ्ट में एंसेंस करा रहा हूँ, इस तरीके से आपको फिल करेंगे, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का क्रेडिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड नंबर डालेंगे, वैलिड डेट डालेंगे और यहाँ पे CVC नंबर डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कंटिन्यू करने के बाद आपका प्रोडक्ट 1-2 दिन के अंदर अंदर में आपका आ जाएगा। अगर 1-2 दिन में नहीं आया तो आप लोगों का प्रोडक्ट 5 से 6 दिन के अंदर अंदर में आपके घर तक डिलीवर्ड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप लोग बड़े आसानी तरीके से आप लोग, मैंने बता दी पूरी EMI बता दी है, आप लोग यहाँ से परचेज कर सकते हो, आप लोग फ़ोन ले सकते हो वहाँ से, ठीक है। इसके बाद कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, अगर आप दिक्कत आ भी जाती है तो फ्रेंड्स कमेंट करना ना भूलेगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, बस यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलता है एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक लिए टेक केयर, बाय।